अभी कनाडा में देखें तो वो अपने लैंडस्केप और एजुकेशन सिस्टम को लेकर उतना सुर्खियों में नहीं है जितना वो खालिस्तान को लेकर अपनी सुर्खियाँ बटोरने में है और ये एक पार्टी के लिए तो लाभदायक है पर पूरे देश के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी कनाडा में बनता दिख रहा है उसमें लॉ एंड ऑर्डर तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता है वहीं इस साल जून में निज्जर की हत्या हुई और सितंबर में कैनेडाई पीएम जस्टिन टूडो ने बिना कोई ठोस सबूत दिए उसमें भारत की भूमिका के आरोप जड़ दिए, जिसके बाद कनाडा के लोगों के लिए भारत ने वीजा सर्विस कर दी हालांकि बाद में वीजा सर्विस आंशिक तौर पर बहाल कर दी गई है वहीं भारत ने जस्टिन टूडो की बचकाना हरकत पर कड़ा रुख इख्तियार करते हुए इकतालीस राजनयिकों को तुरंत घर का रास्ता दिखाया अब जब भारत अकेला संभलता नहीं दिखा तो कैनेडा ने भारत पर दबाव बनाने के लिए फाइव आइज यानी कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन न्यूजीलैंड और खुद कनाडा सहयोगियों के साथ मिलकर तमाम देशों के सामने रोना रोया लेकिन भारत अडिग रहा कि आरोपों के समर्थन में पुख्ता सबूत हैं तो पेश करें वहीं भारत तो भारत है इसके लिए अब भारत ने फाइव आइज के गढ़ यानी कि ब्रिटेन से ही कैनेडा को धो डाला है दरअसल पांच दिवसीय दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत साझा नहीं कर रहा है भारत का जांच से इनकार नहीं है लेकिन कनाडा की तरफ से कुछ भी ऐसे ठोस सबूत नहीं दिए गए हैं जो ये बताता हो कि भारत का इसमें हाथ है और ये पहली बार नहीं है जब भारत ने कनाडा से सबूत मांगे हों भारत तीन महीने में कई बार कनाडा को इसके बारे में बता चुका है लेकिन अब कनाडा के पास कोई सबूत हो तब ना दिया जाएगा और ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था कि कनाडा की मंत्री ने भारत सरकार को ही धमकी दे डाली है और ये धमकी निज्जर के केस में भारत के सहयोग न मिलने की वजह से मिली है जिसमें कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंजी ने भारत के साथ व्यापार वार्ता फिर से शुरू ना करने की धमकी दी है अब इंसान तो सहयोग तब ना करेगा जब कोई सामने से सबूत दिए जाएंगे सबूत तो दिए जा नहीं रहे हैं उल्टा भारत पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं लगता है कैनेडा भारत को समझा नहीं है जिस व्यापार की धोस वो दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको एक बार में भारत पलटने की क्षमता रखता है जिसकी शुरुआत भारत ने ब्रिटेन जाकर कर भी दी है और जिस व्यापार को लेकर कनाडा इतना उड़ने में लगा है उसके लिए भारत के स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं जो आधी से ज़्यादा कैनेडा यूनिवर्सिटी और कनाडा की अर्थव्यवस्था चलाए हुए हैं वहीं अगर व्यापार में ही भारत खुद पीछे हटता है तो इसमें नुकसान में खुद कैनेडा ही रहने वाला है क्योंकि भारत एक बड़ा खरीदार है जिसकी भरपाई दूसरा कोई और देश नहीं कर सकेगा और जितना जल्दी ये बात कनाडा समझ जाएगा उसके लिए ये उतना ही अच्छा होगा